आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, वो भी रोज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हमेशा अपने चैनल पे आपकी ज़िंदगी को आसान बना देने वाले घरेलू नुस्खों को शेयर करती हूँ। दोस्तों आज हम मैजिकल हेयर टोनर बनाने वाले हैं जो कि आपके सर्दियों में आपके बालों को रूखा होने से बचाएगा, साथ ही बालों को झड़ने से रोकेगा और साथ ही आपके बालों को घना और मजबूत बनाएगा। तो इस मैजिकल टोनर को बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच राइस। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जो भी चावल आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वही चावल आप ले सकते हैं। दोस्तों चावल के पानी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि आपके बालों को मजबूत और घना बनाता है, साथ ही आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अगर आपके बालों की जड़ मजबूत होती है तो अपने आप ही आपके बालों का झड़ना रुक जाता है। अगला जो इन्ग्रीडियंट हम इसमें लेने वाले हैं दोस्तों, वो हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और वो है मेथी के दाने यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी के दाने हमारे बालों को काला, घना, लंबा और मजबूत बनाते हैं। मेथी के दानों में जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और पोषण देते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए 3 बड़े चम्मच चावल और 2 बड़े चम्मच मेथी के दाने ले लिए हैं। इसमें चावल जो है दोस्तों आपके बालों के डैमेज को कंट्रोल करके आपके बालों को रिपेयर करता है, साथ ही साथ मेथी के दाने हमारे बालों को जड़ से मजबूत और काला बनाने की ताकत रखते हैं। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए 1 बड़ा ग्लास पानी। अब आपको इसे भीगने देना है पूरी रात तक। पूरी रात के लिए इसे आप ढक करके छोड़ दें। अगले दिन आपको पानी जो है कुछ इस कलर का नज़र आएगा और ये हमारा टोनर बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में भर करके रख दें। ऐसी स्प्रे बॉटल्स आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। कम से कम 20 से 30 रुपए की ये बॉटल आती है। ऐसे अगर आप बॉटल में भरते हैं तो आपको लगाने में आसानी होती है। अगर आपके पास ऐसी बॉटल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी कटोरी में ले करके आप कॉटन बॉल की मदद से भी इस टोनर को अपने बालों पर, अपने स्कैल्प पर लगा सकते हैं। ये जो हेयर टोनर है दोस्तों, इसकी मदद से आपके बालों का डैंड्रफ दूर होता है। ये आपके बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है और साथ ही आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और ये जो बचा हुआ टोनर है इसे मैं दूसरे बॉटल्स में भर दूंगी। देखिए दोस्तों, जो स्प्रे बॉटल होता है इस बॉटल से बहुत ही आसान होता है हमारे बालों पर इसे स्प्रे करना। ये टोनर आपके बालों को घना भी बनाता है, आपके बालों में वॉल्यूम लाता है। विटामिन से भरे हुए इस टोनर के जो बेनिफिट्स हैं वो गिने नहीं जा सकते हैं। इसको बालों पर लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से केवल आपके बालों पर अच्छे तरीके से आप स्प्रे पहले करें, हल्के हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करें ताकि इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, इसके जो भी पोषक तत्व है ये आपके बालों की जड़ों तक जा सके। दोस्तों इस पानी को आप कम से कम 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हो। और इसे आपको कब स्प्रे करना है, जब भी आपको लगे कि आपको बाल धोना है, हेयर वॉश करना है, उसके पहले आप अपने बालों पर चाहे तेल लगा हो ना लगा हो इसे आप अपने बालों पर ज़रूर स्प्रे करें। और इस तरीके से स्प्रे करने के बाद आप कम से कम इसे 1-2 घंटे तक अपने बालों पर ज़रूर लगे रहने दें। इससे आपके बालों को ये मजबूत बनाएगा, जड़ों को मजबूत बनाएगा और आपके बालों को स्ट्रांग और हेल्दी बनाएगा और आपके बालों में नेचुरल शाइन आएगी। और 1-2 घंटे बाद जैसे आप नॉर्मली शैम्पू करते हैं वैसे आप नॉर्मली शैम्पू कर सकते हैं। दोस्तों इसके रेगुलर इस्तेमाल से आपके बाल जो है आप देखेंगे धीरे धीरे आपके बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे। तो आप भी इस मेरी सिंपल सी रेमेडी को जरूर ट्राई करें। मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके जरिए उनकी भी मदद हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।